ये एक रॉड है जिसको एक एंड पर आपने सस्पेंड किया हुआ है, और अगर इस रॉड को रिलीज करें तो ये SHM करती है। इस रॉड के मोशन को हम एंगुलर SHM कह सकते हैं। ऐसे एंगुलर SHM में हम लोग रॉड को रिस्टोर करने के लिए टॉर्क की बात करते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करते हैं। तो अगर हम इस रॉड को किसी जनरल पोजीशन पे रोके तो इसके सेंटर ऑफ मास पर एक mg का फोर्स लग रहा है, और ये जो mg का टॉर्क है ये रिस्टोर करने का काम करता है। अगर हम मान लें कि ये रॉड थीटा के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर है, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ये आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन mg का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये mg का टॉर्क बार बार इस रॉड को सीधा कर देगा। ये mg का टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क का रोल प्ले करेगा। अगर आप इस mg के टॉर्क की बात करें तो ये mg के टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी mg इंटू mg के लाइन ऑफ एक्शन की सस्पेंशन पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब हम टॉर्क निकालते तो ये करते, रॉड की पूरी लेंथ अगर आप l मान लें तो ये l बाई टू साइन थीटा, ये हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क। अब एंगुलर SHM में रिस्टोरिंग टॉर्क की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, यानी रिस्टोरिंग टॉर्क अगर थीटा को प्रोपोर्शनल हो जाए तो ये मोशन एंगुलर SHM हो जाएगा। यहाँ अगर हम थीटा को छोटा मान लें तो ये एम जी एल बाई टू और साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं। स्मॉल थीटा के लिए आपने देखा कि रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा को प्रोपोर्शनल है तो ये मोशन एंगुलर SHM हो जाता है। यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू देखते हैं तो ये ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, अगर कंपेयर करें तो ये आ जाती है अंडर रूट एम जी एल और नीचे ये टू, टू तो है ही, और साथ में ये आई आ जाता है। ऐसे में जो टाइम पीरियड आता है इस सिस्टम का वो आ जाता है 2 पाई अंडर रूट 2 आई अपॉन एम जी एल। अब आई आई जो है वो आपको एस के अबाउट लेना पड़ेगा। रॉड का किसी एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है। तो अगर हम आई की जगह एम एल स्क्वायर बाई थ्री रखते हैं तो ये टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई अंडर रूट आई की जगह एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो ये 2 बाई थ्री एल ऊपर आ जाता है और डिवाइडेड बाई जी। लेकिन 2 बाई थ्री एल को इस तरह से देख के हमें सिंपल पेंडुलम की याद आती है। अगर 2 बाई थ्री एल लेंथ का एक सिंपल पेंडुलम हो तो उसका टाइम पीरियड भी वही होगा जो इस रॉड का है। तो हम इस 2 बाई थ्री एल को लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इस पर एक प्रॉब्लम भी है एच सी वर्मा में, वो ये है, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 49, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें यही कहा है कि एक रॉड ऑसिलेट कर रही है, ये एंगुलर SHM कर रही है, और अगर रॉड की लेंथ L है तो इसके पास में हम कितनी लेंथ का सिंपल पेंडुलम लटकाएं कि जो टाइम पीरियड है वो दोनों का मैच कर जाए। तो अभी भी तो आपने देखा कि जो टाइम पीरियड है रॉड का उसके एंड के अबाउट सस्पेंशन पॉइंट अगर आप यहाँ लेते हैं तो ये है अंडर रूट 2 बाई 3 एल अपॉन जी। तो यहाँ से ही पता चलता है कि अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ 2L बाई 3 हो जाए तो ये रॉड और ये सिंपल पेंडुलम सेम टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेंगे।